आज जो मैं आप लोग को एक नया लेसन्स के बारे में बताने वाला हूँ। जब भी मैं सॉन्ग का ट्यूटोरियल देता हूँ तो बीच बीच में आप लोग देखते होंगे कि ये बोलता हूँ कि देखिए टंगिंग करने से शब्दों में वो निखार आता है, जो शब्द सॉन्ग में जो लिरिक्स लिखा रहता है वो सामने वालों को समझ में आता है कि ये शब्द कहा जा रहा है। सिर्फ ब्लो करने से पता नहीं चलता है, कोई कोई तो ऊपर से बाउंस कर जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि टंगिंग का लोग आप लोग 2-3 एक्सरसाइज कर लीजिए। देखिए टंगिंग का सबसे ज़्यादा यूज राग में होता है, क्लासिकल में जो होता है ना झल्ला बजाने में होता है, सिंगल टंगिंग होता है, एक डबल टंगिंग होता है, बहुत सारे टंगिंग का जो है कि वो एक्सरसाइजेज होता है। तो मैं सिर्फ अगर आप बिगनर है 6 महीने साल भर से प्रयास करें गाना बजा रहे हैं तो टंगिंग का भी 5 मिनट 10 मिनट रोज समय दीजिए, ज़्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ एक्सरसाइज आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग वो एक्सरसाइज को आप लोग फॉलो कर लीजिए, फिर देखिए फिर गाने बजाइए। ठीक है, जिस तरह से आप सरगम का रियाज करते हैं, लॉन्ग नोट्स का भी रियाज करते हैं, पा से पा का भी रियाज करते हैं, लोअर पा से इस तरह से मीडियम पा होते हुए हायर, फिर हायर से मीडियम होते हुए लोअर, इस तरह से। लोअर से गए मीडियम हायर और फिर हायर से गए मीडियम लोअर आगे, तो इस तरह से आप लोग रियाज कीजिएगा तो तीनों ऑक्टिव का एक साथ में रियाज हो जाता है। ठीक, तो बात यहाँ पे ये नहीं है, बात यहाँ पे है कि इसके साथ भी टंगिंग का रियाज कैसे कर सकते हैं। जैसे सरगम बजाते हैं, किस तरह से सरगम बजाते हैं आप, इस तरह से आप लोग रियाज करते हैं। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है सरगम जिस तरह से बजा रहे हैं उसी में आप टंगिंग का रियाज कीजिए। टंगिंग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे आप लोग ऐसे कीजिए, ये सिंगल टंगिंग की बात करें, एक डबल टंगिंग होता, ठीक है, तो आपको मुंह से तो आप बोल रहे हैं लेकिन ये जब बजाइएगा, जब ये टच होगा तो बोलना नहीं है आपको। देखिए इस आसन, आपको इस तरह से जीभ के सहारे जो है ना उसको स्ट्रोक्स मारना है, स्ट्रोक्स इसको बोलते हैं, मतलब कि इस तरह से यहां से आपको सांस को जो है ना स्ट्रोक्स देना है, इस तरह से ये तो डबल हुआ, सिंगल का मैं बात बता रहा हूं। देखिए इसी तरह से आप सरगम का रियाज कीजिए, देखिए इसे ये सांस मैंने ब्रेक ले लेके एक सांस में कैसे करेंगे, अब देखिए कितना क्लियर आ रहा है कि सारे गामा, इस तरह से और जो भी चीज आप बोल रहे हैं या गाने भी जब बजा रहे हैं तो आपको वो चीज़, आपको लिरिक्स भी माइंड में चलना चाहिए, वो धुन भी चलना चाहिए। अब जैसे सरगम बजा रहे हैं तो सा जब बजा रहे हैं तो सा आपको बोलना भी है, अंदर में बोलना है, इस तरह से। मैंने टंग का इस तरह से एक्सरसाइज आपको करना है, इस तरह से। ठीक, ये हो गया सिंगल टंगिंग, अब डबल टंगिंग देखिए, से आपको करना है। ठीक, पा से पा तक, जैसे पा से पा तक भी सिंगल पहले बजाइए, पहले सरगम बजा लीजिए उसके बाद पा से पा तक सिंगल, इस तरह से। ठीक, डबल भी उसी तरह से,
सरगम इसी तरह से। सॉरी, इस तरह से सरगम का रियाज कीजिए। पहले सिंगल टंगिंग का रियाज कीजिए, उसके बाद डबल टंगिंग का रियाज कीजिए, सरगम पर ही और पासे पा तक ही। आप चाहे तो इसको दो दो तीन तीन अलंकार में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बस यही है, कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप गाने में कैसे, हम बता रहे हैं कि गाने में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, टंगिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे कोई ये गाना उठा लीजिए, जैसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप सिर्फ ब्लो कर रहे हैं। हम देखिए, बहुत प्यार करते हैं तुमको सर, मैं सिर्फ फूंक रहा हूँ, कोई जो है ना कि टंगिंग नहीं मार रहा हूँ। अब देखिए सामने, अब जो है कि इसका जो है कि बहुत प्यार करते हैं कि जो शब्द है वो क्लियर नहीं, स्पष्ट सुनाई दे रहा है। इसके लिए टंग मारते हैं, स्ट्रोक्स मारते हैं, टुकु टुकु करते हैं, टुक करते हैं, कैसे इस तरह से। शुरू में किया मैंने टू, आशीष बोलो करूंगा, यहां पे से। या कोई एक और गाना उठा लेते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है। देखिए इस तरह से इसमें टंगिंग कैसे यूज करेंगे, हर गाने में टंगिंग यूज होता है, हर गाने में। पहले सिर्फ ब्लो कर रहा हूं, सॉरी, सिर्फ मैंने ब्लॉक किया और टंग के साथ देखे कितना सा। कहने का मतलब यह है, एक सिर्फ ब्लो करना और एक टंग के साथ करना। इसमें देखिए टंग कैसे हुआ, शुरू में ही हर जगह पे, हर एक स्वर में टंग मैं तू तू कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा ब्लो करते करते। फिर आपको टंगिंग का भी रियाज कीजिए हल्का फुल्का, फिर जब गाने जब बजेगा तो अपने आप जो है कि वो निकलने लगेगा। मैं भी ऐसा ही शुरू में सिर्फ ब्लो कर रहा था और अच्छे साउंड नहीं आता था। पहले के जो गाने हैं मैं सिर्फ ब्लो करके बजाता था, और आज जो है जो भी गाने मैं टंग मार मार के बजाता हूँ। तो पहले वाला गाना सुनता हूँ और आज का जो गाना सुनता हूँ, काफ़ी डिफरेंस, मतलब क्या बताएं, एकदम 100 और 10 का अंतर हो जाता है। आज का 100 और उस समय सिर्फ ब्लो करते थे 10, पहले वाले सुनते तो अभी बहुत ख़राब लगता है, वो सुनने को भी ऐसा लगता था कि मैं कितना ख़राब उस समय बजा रहा था। तो वही चीज़ है। तो ये है आपका एक टंगिंग के ऊपर एक फ्लूट का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर समस्या होता है तो बेझिझक आप लोग पूछिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आप लोग को हर एक ट्यूटोरियल में मैं बताता हूँ, 9525968338। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।